नमस्कार, इंकलाब टीवी चैनल में आपका स्वागत है। किसी ने सच ही कहा है, प्यार अंधा होता है। प्यार न जात देखता है, न ही धर्म देखता है। प्यार जब परवान चढ़ जाता है तो सारी हदें भी पार कर जाता है। ऐसा ही कुछ नज़ारा बेगूसराय में देखने को मिला, जहां मजहब की दीवार को तोड़कर एक प्रेमी युगल ने शादी रचाई। जहां बहुजन समाज के लड़के ने मुस्लिम समाज की लड़की से शादी कर अपने प्यार को और भी मजबूती प्रदान की। प्रेमी युगल ने नौलखा मंदिर परिसर में शादी समारोह में रीति रिवाज के साथ शादी रचाई। झारखंड के हजारीबाग की सादिया परवीन का बेगूसराय के निपानिया गांव के सोहन कुमार दास से 2 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों की प्रेम कहानी तब शुरू हुई जब 2 साल पहले सोहन हजारीबाग में नॉन बैंकिंग कंपनी में वो काम कर रहे थे। तभी दोनों में दोस्ती हुई और प्यार हो गया। प्यार परवान चढ़ा तो दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई। सादिया परवीन सोहन के साथ बेगूसराय पहुंची। शनिवार को शहर के नौलखा मंदिर में पूरे हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली। शादी के बाद दोनों प्रेमी जोड़े काफी खुश हैं। इस दौरान लड़के के परिवार वाले मौजूद थे। जयमंगला वाहिनी सामाजिक संगठन के लोग भी मंदिर में शादी के दौरान मौजूद रहे। प्रेमी जोड़े ने कहा कि दोनों ने प्यार किया था, प्यार के बाद शादी की। सादिया ने कहा कि प्यार में जाति धर्म नहीं देखा जाता। उसे सोहन से प्यार हुआ और अब शादी की, उसके साथ हमेशा रहेगी। सोहन ने बताया कि एक नॉन बैंकिंग कंपनी के काम के दौरान सादिया परवीन से दोस्ती हुई थी, जो प्यार में बदल गई और अब शादी हुई है। जाति धर्म से ऊपर उठकर दोनों ने शादी करके वे काफ़ी खुश हैं। प्रेमी जोड़े ने कहा कि मंदिर में शादी के बाद कानूनी मान्यता के लिए कोर्ट मैरिज के लिए कागजी कार्रवाई करेंगे। इस शादी के बाद लोगों में तरह तरह की चर्चा भी सामने आ रही है। देखिए संवाददाता मोहम्मद नबी आलम की ये रिपोर्ट। प्यार में कोई मजहब कुछ नहीं होता, जहाँ प्यार है वो सब एक मजहब है। तो इसके आगे फिर किसी तरह का कोई अगर आती है तो इसके लिए आप क्या करेंगे? हम इनका सपोर्ट देंगे, हम इनके साथ रहेंगे। तो आप इसके माता पिता के विरोध में है या क्या? सपोर्ट में है? सपोर्ट में है। आगे क्या करना, आगे क्या आपका सोच है? आगे हम लोग सब एक साथ रहेंगे और हम इनके साथ रहेंगे और इनके फैमिली के साथ भी रहेंगे। तो अपने हिंदू ही धर्म क्यों चुना आपने, तो मुस्लिम? हमको इनसे प्यार था, ये हिंदू है चाहे मुस्लिम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या नाम हुआ आपका? शालिनी। क्या घर? हजारीबाग। ठीक है, बता देना, लेकिन आपको ये बोलना चाहिए आपको मुस्लिम से, मतलब जो आप मुस्लिम लड़के से आपने मोहब्बत की और मोहब्बत को आपने शादी में बदल दिया, एक पन्ने सूत्र में बदल दिया, क्या कारण है? एक दूसरे से मतलब प्यार करते हैं, प्यार करने में जाति धर्म ये तो कुछ देखा नहीं जाता है इसमें। जाति धर्म से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैंने प्यार किया और इसे अपने धर्म पत्नी के रूप में। क्या कब से ये आपका जो लव चल रहा था और कैसे क्या हुआ, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? एक्चुअली हजारीबाग जो क्षेत्र है वहाँ पर नॉन बैंकिंग में मैं वर्क करता था एज ए, वहाँ से हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया है। वहाँ से 1.5 साल से हम दोनों का चलता था, उसके बाद 1.5 साल के बाद हम दोनों ने निर्णय किया, शादी करने का फैसला लिया और अपने पूरे परिवार के साथ। किसी तरह का कोई किसी का दबाव तो नहीं है, जबरदस्ती तो आपने नहीं किया इनके साथ? नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। इंकलाब टीवी चैनल यदि आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।